नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आपके साथ, मैं हूं अंकित। तो अब मेलबर्न के टेस्ट के बाद सिडनी की बारी है, यानी कि 7 जनवरी को जब सिडनी के मैदान पर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी। लेकिन अब टीम इंडिया में कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि उमेश यादव चोटिल है और उनकी अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बॉलर है जो खेलने वाले हैं, उनका नाम है टी नटराजन। जी हाँ, T20 और वनडे में टी नटराजन को जब चुना गया तो किसी को यकीन नहीं था वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन टी नटराजन ने एक वनडे मैच खेला और 2 विकेट हासिल किए, जबकि 3 T20 में उन्होंने टी नटराजन ने 6 विकेट लिए और एक यॉर्कर किंग बन के सामने आया। यानी कि टी नटराजन को अब टीम इंडिया का यॉर्कर किंग कहा जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स अब सामने आई है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि टी नटराजन जो है सिडनी के मैदान पर खेल सकते हैं। जी हाँ, सिडनी के मैदान पर टी नटराजन का डेब्यू हो सकता है। उनको एक लेफ्ट आर्मर गेंदबाज तो वो है ही, उनके साथ साथ उमेश यादव अभी चोटिल है, मोहम्मद शमी बाहर हो चुके हैं, तो नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर के साथ साथ टी नटराजन भी एक अच्छा ऑप्शन है टीम इंडिया के पास। और जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि टी नटराजन टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू कर सकते हैं और उनको सिडनी में खेलने का मौका मिल सकता है। तो ये टी नटराजन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ एक लेफ्ट आर्मर गेंदबाज एक बार फिर से टीम इंडिया में आ जाएंगे। अगर हमने देखे तो बहुत साल पहले आरपी सिंह थे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, तो उससे पहले इरफान पठान एक दौरा कर चुके हैं लेफ्ट आर्मर तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन टी नटराजन के खेलने के चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच में ही मोहम्मद शमी को चोट लगी थी, उसके बाद वो भारत लौट गए थे, उसके बाद उमेश यादव को दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में खिंचाव हुआ था तो वो बाहर चले गए थे। तो अब जो 3 गेंदबाज बचे हैं वो टी नटराजन है, शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी हैं। तो टी नटराजन का जो है खेलने का चांस ज़्यादा लग रहा है कि टी नटराजन जो है सिडनी के मैदान पर खेलते हुए आपको देख सकते हैं, यानी कि टेस्ट डेब्यू उनका हो सकता है। इससे पहले इसी सीरीज़ में शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हुआ, उसके बाद मोहम्मद सिराज का टेस्ट डेब्यू हुआ, और ये साल 2013 के बाद ऐसा मौका था जब 2 खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। साल 2013 में मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा ने एक साथ डेब्यू किया था, उसके बाद शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का डेब्यू हुआ है। और अब जो खबरें हैं उससे टी नटराजन का डेब्यू भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि खबरें यही आ रही है कि टी नटराजन डेब्यू करने वाले हैं। अगर हम सीरीज़ की बात करें तो पहला टेस्ट मैच जो है एडिलेड में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, और फिर मेलबर्न में जिस तरह से वापसी की टीम इंडिया ने और सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर लिया है। 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, सिडनी में 3रा टेस्ट मैच खेला जाएगा, सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है, और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह टी नटराजन अगर खेलते तो क्या गेंदबाजी करते हैं या फिर क्या प्लेइंग 11 होती है, क्योंकि रोहित शर्मा भी फिट हो चुके हैं बट अभी उनका खेलना तय नहीं है। तो अभी रिपोर्ट्स और खबरें यही है कि टी नटराजन का डेब्यू जो है वो सिडनी टेस्ट में हो सकता है और उनको पहली बार टेस्ट कैप मिल सकती है। इससे पहले ODI और वनडे जो हैं टी नटराजन खेल चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और एक और जाते जाते मैं सवाल आपके साथ छोड़ता हूँ कि आपको पता है कि टी नटराजन का पूरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो उसका भी जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आप NN Sports को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए।